पानी की समस्या के बारे में गांव को भी जागरूक रहना चाहिए, प्रशासन को भी जागरूक। मैं जागी गांव के लोग, मैं जागा प्रशासन। आज मैं ऐसे ही एक रास्ते से परिचित करवाने जा रहा हूं, जहां पर आए दिन न जाने कितनी घटनाएं घटती रहती है। यह वह स्थान है जो रवा गांव से जो निकलता है और खातीपुरा, शिवड़िया की ढाणी, रोजड़ा, झारपुर, सिघाना और कोपर से जुड़ा हुआ है। इस रास्ते पर न जाने कितने राहगीर रोज आते हैं और आकर करके यहाँ पर घटना का शिकार होती है। कितनी अब तक ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं जहां पर टूट फूट के साथ साथ उनको अपनी जान का भी जोखिम जो रहता है। तो मैं प्रशासन से उम्मीद करूंगा, प्रशासन से निवेदन करूंगा, गांव वालों से निवेदन करूंगा कि इस रास्ते को जल्द से जल्द कोई पानी की निकासी के लिए ऐसा कोई प्रावधान जो निकाला जाए जिससे सभी ग्रामवासी, सभी आमजन लोग और इससे सुखद अनुभव करें और इस रास्ते का सदुपयोग हो सके। यहाँ पर एक स्कूल भी है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जो कि गांव का पड़ता है। इस गांव के जितने भी बच्चे वहाँ पर पढ़ने के लिए जाते हैं वो भी इसी पानी से जो गुजरते हुए नज़र आते हैं और काफ़ी जो उनके साथ भी घटनाएं होती हैं, कभी उनके बैग भीग जाते हैं, कभी उनकी किताबें भीग जाती हैं, यहाँ तक उनकी चोट, उनको चोट भी लगती रहती है। तो प्रशासन से उम्मीद है कि वो जल्द से जल्द जो है इस पानी की निकासी के लिए कोई नई पहल लेकर के आए और ऐसा एक कदम रखे जिससे सभी जो ग्रामवासियों और आने जाने वाले जो व्यक्तियों को किसी प्रकार की कोई नुकसान न हो। इस रास्ते के राहगीर हैं, इनसे मैं पूछना चाहूँगा कि आप इस रास्ते पे आते जाते हैं तो किन किन समस्याओं का आपको सामना करना पड़ता है? जी अभी अभी दो चाणा की डाणी गया था जो झाड़े लगाने के लिए, तो बच्चे रास्ते में गड्ढा हो रहा है, पड़ने का डर है, अभी जाते समय पड़ जाती, बच्चे के लग जाती, तो ये समस्या बहुत ज़्यादा दिनों से आ रही है, कोई सुनाई हो रही नहीं है। हम रोज स्कूल जाते हैं, इस पानी में, इस पानी के अंदर से कभी कभी हम गिर भी जाते हैं, कभी कभी हमारे बैग भी भीग जाते हैं। मैडम जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप रोज़ इस रास्ते से आवागमन करते हैं और मैं देखता हूं लगातार कि पैदल ही जाते हैं, हाँ। तो इस विषय पर आपको क्या कहना है कि ये पानी की समस्या के बारे में? पानी की समस्या के बारे में गांव को भी जागरूक रहना चाहिए, प्रशासन को भी जागरूक रहना चाहिए और बच्चे भी, यहाँ तक कि दुर्घटनाएँ घटती रहती हैं, कभी उनकी ड्रेस भीगती है तो कभी उनके जूते भीगते हैं, कभी उनके बस्ते भीग जाते हैं और आए दिन परेशानी का, ये रास्ता खराब होने से परेशानी हो रही है।